For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymyth. पिलारिस फेस्टिवल इंडिया है जो मैंने 3 साल पहले शुरू किया था, ये 3रा साल चल रहा है. एंड जैसे योगा फेस्टिवल्स होते हैं, अभी पिलाटस की चर्चा हो रही है, लोगों को और अवेयरनेस हो रही है पिलाटस के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग पिलाटस फेस्टिवल करें जो 3 रात बॉम्बे से दूर एक अलग अलग जगहों में मैं करती हूँ, सो दैट यू नो पीपल इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ इंडिया. तो दिस ईयर इट्स इन केरला एंड मैं बाहर से इंस्ट्रक्टर्स को इनवाइट करती हूँ जो मेरे मास्टर इंस्ट्रक्टर्स हैं जिससे मैं सीखती हूँ, और वो लोग आके हम लोग सब पिलाटस क्लासेस लेते हैं, और ये ट्राई करते हैं कि अलग अलग टाइप्स की क्लासेस ले जो हम लोग हमारी जिम में करते हैं, वो अभी पब्लिक के लिए हम लोग यू नो ओपन कर रहे हैं. एंड सो इट्स द प्लेलिस्ट इज़ के सुबह में 7:30 बजे की एक क्लास होगी जो बीच पे होगी, फिर ब्रेकफास्ट, फिर दूसरी क्लास के लिए लोग जाएंगे, फिर लंच के बाद आफ्टरनून्स में हम लोग ब्रेक रखते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, बीच वॉलीबॉल, बीच क्रिकेट, या तो जो इंस्ट्रक्टर्स आते हैं. तो पिलाटिस फेस्टिवल में जो ब्यूटी है, जो मैं सोफ़ी और मैं डिस्कस कर रहे थे, कि जिन्होंने कभी पिलाटिस नहीं किया है और जो पिलाटिस सिखाते हैं इंस्ट्रक्टर्स, सबके लिए है. तो हम लोग अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन पिलाटिस, सो इट्स बेसिकली फॉर एवरीवन. तो जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके लिए दोपहर को हम लोग लर्निंग एक्सपीरियंस रखते हैं, जहाँ ये मास्टर इंस्ट्रक्टर्स वर्कशॉप करते हैं, जहाँ हमारे इंडियन इंस्ट्रक्टर्स भी सीख सकते हैं विदाउट हैविंग टू ट्रैवल अब्रॉड. एंड देन ऑफकोर्स इन द इवनिंग हाई टी होती है, एक दूसरी क्लास होती है, एंड देन वी ट्राई टू हैव एन एंटरटेनमेंट एवरी नाइट. सो वी हैव अ न्यूट्रिशनिस्ट हू इज कमिंग एंड स्पीकिंग अबाउट फूड वन नाइट. द सेकेंड नाइट वी हैव अ म्यूजिकल इवनिंग, सो वी हैव पीपल कमिंग टू सिंग. एंड द थर्ड नाइट वी हैव एन अवार्ड सेरेमनी. सो यू नो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अवार्ड दैट वी वॉन्ट गिव आउट टू पीपल हू पार्टिसिपेटेड इन दिस. वी हैव अबाउट 100 साइन अप्स दिस ईयर. So it's like a proper awards ceremony, you know, where we give them awards, and we have a mentalist who's coming and doing tricks as well. So there's a lot happening. What would you like to say about the new initiative taken by Yasmin? एक्चुअली मैं सब जानते हैं मैं पिलाटस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं यास्मिन के साथ कुछ 7 सालों से कर रही हूँ, लेकिन पिलाटस मेरी मम्मी करते थे लंदन में कुछ 30 साल पहले, तो मुझे उसके बारे में काफ़ी बचपन से ही नॉलेज है. इट्स रियली चेंज माई लाइफ, इट्स मेड मी फिटर देन आई हैव एवर बीन, इट्स मेड मी हेल्दियर, इट्स मेड मी सो मच मोर अवेयर ऑफ माई बॉडी. तो यास जो ये फेस्टिवल कर रही है पिछले 3 साल से, आई लव द इनिशिएटिव, क्योंकि हिंदुस्तान में आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों की क्यूरियोसिटी भी है, नॉलेज भी वो करना चाहते हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कभी पिलाटस नहीं किया वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, और जो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस है, मेरे लेवल के भी हैं, मुझसे आगे लेवल भी हैं, वो भी जा सकते हैं. सो इट्स समथिंग टू लर्न, एंड आई थिंक लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स जस्ट लाइक दैट मिनी गेट अवे, दैट 3 डेज, जैसे लोग डिटॉक्स करते हैं, इट्स लिटरली दैट, इट्स 3 डेज ऑफ जस्ट अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, नेटवर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, लर्निंग अ लॉट. तो मुझे इसका आइडिया बहुत पसंद है, तो आई एम हियर ऑफ कोर्स सपोर्ट हर एज ऑलवेज, जस्ट लाइक शी इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी इन माई वर्क, चाहे वो मेरे वर्कआउट्स हों, चाहे वो मेरा शो हो वर्क इट अप, हर चीज़ में याज ने मुझे सपोर्ट किया, तो आई विल ऑलवेज सपोर्ट हर बिकॉज आई रियली बिलीव फिटनेस इज सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. I don't believe in diets. Yeah, I don't like the word diet because it feels that you're restricting yourself. I believe in having a good eating plan. And you know, we're constantly discussing, we make changes in our eating plans, but basically we stick to the same kind of eating where you eat a lot of vegetables, you know, you eat your protein, you have good fat. It's not ki hum log fat nahi khate, magar hum log good fat khate, nuts have good fat, you know, coconut oil is good fat. So we do a lot of healthy eating. Aur abhi gaadi mein hum dark chocolate kha ke aa rahe hain. Yes. Just to let you all 85% dark chocolate kha ke aa rahe hain. Yes. And you know, so it's, you have to
टू मेक इट योर लाइफ स्टाइल, क्योंकि जो आपकी लाइफ स्टाइल बनेगी दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. यू नो डाइट्स आर वेरी शॉर्ट. डाइट पे लोग रहते हैं सोचते हैं यार अभी ये कभी खा सकती हूँ, ये कभी खा सकता हूँ, यू नो. सो यू आर ऑलवेज यू आर कर्बिंग योर सेल्फ एंड यू वॉन्ट टू ईट वॉट यूर कर्बिंग योर सेल्फ फ्रॉम. एक्चुअली आई पुट ऑन मोर वेट जब मैं कोई मुझे कहता है डाइट. सो इफ यू नेवर गो ऑन अ डाइट. नो इफ आई गो ऑन अ डाइट, इफ आई ट्राइड गोइंग ऑन अ डाइट देन आई हैव एक्चुअली पुट ऑन मोर वेट, बिकॉज पूरा वक्त मैं यही सोचती रहती हूँ कि अब क्या खाऊं, अब क्या खाऊं, अब ज्यादा भूख लग रही है, ओ वो मैं नहीं खा सकती, अब बहुत दिल कर रहा है वो खाने को. इट्स जस्ट अ मेंटल थिंग एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वी बिलीव मोर इन अ हेल्थी ईटिंग लाइफ स्टाइल देन अ डाइट. आई डोंट बिलीव डाइट्स वर्क, क्योंकि यू कैन डाइट फॉर अ वीक, अ मंथ, टू मंथ्स, एंड लाइक एवरीबडी इज डूइंग केटो और व्हाटएवर दे आर डूइंग, यू नो द मिनट दे स्टॉप सबका वेट वापस आ जाता है, फिर उनको वापस उस पर जाना पड़ता है और वो एक विशेष सर्कल बन जाता है. सो आई डोंट बिलीव इन दैट. आई थिंक यू हैव टू फाइंड व्हाट्स राइट फॉर यू. हम सबको पता है व्हाट इज द राइट चॉइस, व्हाट इज द रॉन्ग चॉइस. हम सबको पता है हमें क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए. इट्स जस्ट अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड टू डू दैट एंड टू बैलेंस इट आउट. दैट्स इट. थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट.